तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आप लोग की लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर सिक्स लेग स्टीरअप्स पे वीडियो बनाइए। तो यहाँ पे अगर आप एक कॉलम देखोगे जिसमें तीन टाइप का स्टीरअप्स लगा हुआ है, वीडियो को एंड तक देखिएगा वरना बहुत कुछ मिस हो जाएगा। आज का वीडियो का तो एक सेकेंड मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला रिंग जो है वो फुल कॉलम को कवर कर रहा है, दूसरा रिंग देखिए ये वर्टिकल रिंग है जो कि आप शेप नंबर यहां देख रहे हो, और तीसरा जो है वो देखिए यहां पे हॉरिजॉन्टली यहां पे लगा हुआ है जो कि ऐसे देख रहे हो, ठीक है। तो आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें ये आउटर साइड में जो हमारा पेरिफेरी पूरा रिंग कवर करता है ये निकालना बहुत आसान होता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, स्टूडेंट जो फंसते हैं वो कहाँ पे फंसते हैं, वो फंसते हैं जो अंदर में रिंग लगा हुआ रहता है, जैसे आप ये वाला देख रहे हो या जो आप वर्टिकल देख रहे हो, ये शेप ये अंदर में है, ठीक है। ये फुल कवर नहीं कर रहा है, ये जस्ट इतना पार्ट कवर कर रहा है, और ये जो है ये जस्ट ये वाला रिंग कवर कर रहा है। तो मेन तो यही चीज सिखाना आज आप लोग को है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि और एक चीज मैंने कवर किया है कि मैंने क्या किया, यहाँ पे आउटर साइड का जो बार है ना, वर्टिकल बार, ये बार, ये बार, ये बार, ये बार, ये अलग डाया का लिया है, और अंदर के जितने भी बार है उसका डाया मैंने अलग लिया है। तो अलग अलग जब डाया होता है हमारा वर्टिकल बार का, उस केस में हम लोग कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं ये भी आज आप लोग को सीखने को मिलेगा। बस आपको छोटा सा काम करना है, कोई पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, वीडियो को एंड तक देखना है, और वीडियो लास्ट में अगर पसंद आए आपको तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, इतना ही मैं चाहता हूं, ठीक है। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वीडियो को समझ लीजिए, ये एक मेरा कॉलम है, ठीक है। ये जो पेरिफेरी लाइन जो देख रहे हो बाहर से, ये मेरा कॉलम का सेक्शन का लाइन है। इसका कॉलम का साइज कितना है, 600 बाई 500, ठीक है। यहाँ पे यूनिट नहीं दिया है, मतलब ये 600 मिलीमीटर में है, 500 मिलीमीटर में है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके अंदर में देखिए जो डॉटेड डॉटेड आप देख रहे हो ब्लैक ब्लैक कलर में, ये हमारा कॉलम का वर्टिकल मेंबर है, वर्टिकल रेनफोर्समेंट बार है, ठीक है। अब इसका डाया कितना है, तो जो आप कॉर्नर पे देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चार कॉर्नर पे जो है उसका डाया मैंने यहाँ पे पकड़ा है 20 mm, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिएगा कॉर्नर बार का डाया मैंने लिखा है T20, मतलब टॉट 20 डाया का, और अंदर में जितने भी है, मतलब ये दो हुआ, ये दो, ये दो, और ये दो, ये दोनों है, अदर्स बार मैंने यहाँ पे लिखा है T16, मतलब ये 16 का है, ये 16 का है, देख लीजिए ये 16, ये 16, ये 16, ये 16, तो 16 mm का कितना बार है टोटल, 2, 4, 6, 8 हो गया, और हमारा 20 mm का बार कितना है टोटल, 1, 2, 3, 4 हो गया। यहां तक ड्राइंग क्लियर हो गया है आपका। अब रिंग के अंदर घुसते हैं, इसमें अगर आप स्टीरअप देखोगे ना तो आपका इसका प्लेसमेंट सही से शायद नहीं समझ में आए, तो उस चीज को मैं निकाल के यहां पे शेप में बताया हूं आपको। सबसे पहला शेप देखिए ये वाला शेप 1, अब इसको कैसे प्लेस किया गया है, इसको कॉलम के चारों तरफ से, मतलब जितने भी वर्टिकल एनफोर्समेंट है ना वो सबको क्या किया है, इसे पकड़ के रखा हुआ है बाहर से पूरा, ठीक है। तो वो है हमारा शेप 1 जो आप ये देख पा रहे हो, और इसका हुक आप देखिए यहां पे प्लेस किया हुआ है, मतलब ये रिंग क्या होगा, ऐसे जाएगा सीधा, ऐसे 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 और ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा शेप 1। अच्छा एक बात मैं बताना चाहूंगा, कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप वीडियो थोड़ा शॉर्ट बनाइए, तो उन लोग के लिए मैं हाथ पकड़ के माफी मांगता हूं, मुझसे वीडियो शॉर्ट नहीं बनेगा। मैं यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने के लिए आता हूं, उसके लिए अगर आपका 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा आता है तो कोई आपका पहाड़ या संपत्ति नहीं चला जा रहा है यहां से, ठीक है। तो सीखने आए हो तो सीखो टाइम लेके, वरना आप जा सकते हो, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। मैं अपना इंपॉर्टेंट टाइम दे के आप लोग को सिखाने के लिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो को थोड़ा लंबा करता हूं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद कोई वीडियो आपको देखना ना पड़े। तो टाइम है तो देखिए, वरना आपका मर्जी। तो नेक्स्ट क्या है हमारा शेप 2। शेप 2 कैसा है देखिए, शेप 2 जस्ट ये 2 16 का बार और ये 2 16 का बार को कवर कर रहा है, ठीक है। मतलब ये ऐसे आ गया और ऐसे ऐसे आके यहाँ पे हुक आ रहा है, ठीक है, हुक देख रहे हो ना। तो इसका शेप मैंने 2 पकड़ा है। अब शेप 3 समझ लेते हैं। शेप 3 देखिए हॉरिजॉन्टली प्लेस हुआ है ऐसे करके, ठीक है। अब वो कौन से 16 बार को, इस 2 16 बार को और इस 2 16 बार को वो कवर किया है, और इसका हुक कहां पे आ रहा है, यहां पे। मतलब ये रिंग कैसे बनेगा, ये ऐसे करके ऐसे घूमेगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आके फिर ऐसे मुड़ जाएगा, समझ में आ गया। तो ये शेप, ये शेप, ये शेप, 3 शेप है। अब एक एक शेप करके मैं उसका कटिंग लेंथ आपको निकालना सिखाऊंगा। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि सर आप कटिंग लेंथ के ऊपर वीडियो बनाइए, कि व्हाट इज कटिंग लेंथ, व्हाट इज कटिंग लेंथ इन रेनफोर्समेंट बार, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो आएगा, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे कंसिडरेशन मैंने किया है वो देख लीजिए। क्लियर कवर मैंने 40 mm पकड़ा है, ठीक है, 40 mm, 40 mm मतलब क्या, मान लीजिए ये आपका एक सेक्शन है कॉलम का, कॉलम से जो स्टीरअप का जो सरफेस है ना, ये सरफेस ये आपका है 40 mm,
ठीक है, ये है 40 mm चारों तरफ, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। तो 40 mm मैंने क्लियर कवर पकड़ा है। टाइज यहाँ पे मैंने पकड़ा है T8 का, मतलब ये जितने भी आप रिंग देख रहे हो ये सारे के सारे आपके जो डाया है इनके वो है 8 mm का। ठीक है, तो ये 8 mm का डाया है, ये 8 mm का डाया है, ये भी 8 mm का डाया है, तो सारा रिंग हमारा 8 mm का है। और एक चीज यहाँ पे जो ये हुक आप देख रहे हो, ये जो हुक प्रोवाइड किया गया है, ये हुक मैंने पकड़ा है यहाँ पे 10D। ठीक है, ये आपके ड्राइंग के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, अगर वहां पे कुछ और दिया है, 12D दिया है, 9D दिया है, जो दिया है वो आप पकड़ सकते हो। अगर सोच लो, मान लो ड्राइंग में कुछ नहीं दिया है, तो आप आंख बंद करके 10D पकड़ लेना हुक को। ठीक है, हुक, हुक मतलब आप समझ पा रहे हो ना, कोई भी रेनफोर्समेंट बार जब ये आपका स्टीरअप है आके जब ये ऐसे मुड़ता है और ये भी तो आके ऐसे मुड़ता है ना, तो ये जो पार्ट है, ये डिस्टेंस, ये है हमारा हुक। ठीक है, और इसी को मैंने पकड़ने के लिए बोल रहा है 10D। ठीक है, जब नहीं दिया जाएगा तो 10D आप पकड़ लेना आंख बंद करके, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, इसका हुक जो है ये कभी भी किसी भी हालत में 75 mm से कम नहीं होना चाहिए, IS कोड बोलता है ये। ठीक है, 75 mm से कभी भी कम नहीं होगा। 75 mm से कम क्यों नहीं होगा, ये कंसिडरेशन जो किया गया है ये कब काम आएगा, मान लीजिए आपका टाइज जो है वो 6 mm का है, तो 10D के हिसाब से अगर आप लोगे तो कितना आ रहा है, 60, तो 60 भैया नहीं चलेगा, आपको मिनिमम 75 वो रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये चीज। तो चलिए अब क्या करते हैं, एक एक करके शेप का कटिंग लेंथ निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे शेप 1 करके रखा है, इसको समझा देता हूँ, फिर शेप 2 पे जाऊंगा। तो शेप 1 देख लीजिए क्या है, हमको शेप 1 में यहाँ पे दो चीज निकालना पड़ेगा, पहले ये लेंथ निकालना होगा, फिर ये लेंथ निकालना होगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अगर मैं ये लेंथ निकाल लूं, मतलब रिंग का ये वाला लेंथ निकाल लूं, तो ये सेम लेंथ मेरा ये नीचे वाला लेंथ है, मतलब ये अगर ए है तो ये नीचे वाला भी मेरा ए हो जाएगा, ये अगर बी है तो ये मेरा बी हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसे को जोड़ दूंगा, इस बी को जोड़ दूंगा, साथ में जो दो हुक आ रहा है मेरा, देखिए एक हुक ये है, एक हुक ये है, ये दोनों हुक को ऐड कर दूंगा, और बेंड जो डिडक्शन करना है वो बेंड डिडक्शन में कर दूंगा, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, चलिए ये निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए, ये वाला ए, तो ये ए कैसे निकलेगा, एल माइनस 2 × क्लियर कवर। अब एल क्या है भैया, एल मेरा है टोटल कॉलम का जो विथ है आपका, ये 600 mm, ये वाला, समझ में आ गया। तो एल की जगह आप प्रोवाइड करोगे ये वाला पार्ट, ये पूरा टोटल, तो 600 को क्या किए हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं एल की जगह। अब एल में हम लोग माइनस करेंगे 2 × क्लियर कवर, बोथ साइड से, यहां से क्लियर कवर माइनस करेंगे, इधर से भी क्लियर कवर माइनस करेंगे, है ना। तो ये 40, ये 40, तो वही मैंने लिखा है 2 × 40। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 520 mm, हमारा ए निकल गया 520, मतलब ये भी निकल गया 520। ठीक है, अब बी निकाल लेते हैं। तो बी भी सिंपल है भैया, मेरा ये बी है टोटल, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां भी क्या करेंगे, b माइनस 2 × क्लियर कवर। अब b क्या है भैया, b मेरा कॉलम का ये फेस है, ठीक है, ये l है, तो ये है मेरा b, लेंथ ब्रेथ, ठीक है। अब b टोटल कितना है, 500। अब 500 में सेम कॉन्सेप्ट वही होगा, 2 × क्लियर कवर में माइनस कर दो। अब टोटल कॉलम का लेंथ ये है, हमको चाहिए ये लेंथ, तो क्या करेंगे, टोटल लेंथ से इधर से क्लियर कवर माइनस करेंगे, इधर से क्लियर कवर माइनस करेंगे, तो 40 इधर से माइनस, 40 इधर से माइनस, तो वही किया मैंने, 2 × 40 माइनस कर दिया इसमें, तो ये आ गया 420। तो ये ए और बी निकल गया, अब कुछ नहीं है, अब जस्ट एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसमें उसको बैठा दो। कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, देख लीजिए, सी एल 2 × ए, 2 × ए क्यों, एक ये है, एक ये है, ठीक है, प्लस 2 × बी, 2 × बी किस लिए, एक बी ए, एक बी ए, प्लस हुक, हुक को ऐड करना है ये वाला हुक, माइनस बेंड करना है, जस्ट ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 × ए की जगह बैठा दीजिए 520, ए आया था मेरा 520, प्लस 2 × बी, 2 × बी 420, बी में 420 निकला है, प्लस अब हुक के क्राइटेरिया को ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ हुक कितना है मेरा, 1, 2, यहां पे देख लीजिए नंबर ऑफ हुक मेरा यहां पे कितना है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ठीक है, तो दो हुक आ गया ना, तो इसलिए हम लोग यहां पे ये हुक की जगह ये 2 बैठाया हूं, ये नंबर ऑफ हुक डिनोट करता है आपका। अब एक हुक कितना है, मैंने आपको बताया है 10D, तो 10D का ये 10 हो गया, और D का मतलब ये हो गया, D मतलब डाया ऑफ टाइज, डाया ऑफ रिंग जो भी आपका है, तो हमारा रिंग कितना डाया का है, मैंने ये भी बताया था T8, 8 mm का, तो वो D की जगह 8 आ गया, तो ये मेरा है 10D, ठीक है, ये मेरा है 10D, और ये डिनोट करता है नंबर ऑफ हुक, तो ये मेरा मेरा हुक का पार्ट हो गया। अब आता है हमारा बेंड का पार्ट, तो ये बेंड, तो सेम कॉन्सेप्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल कितना बेंड प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ना, तो 5 बेंड प्रोवाइड किया गया है, एक बेंड यहाँ पे, एक बेंड यहाँ पे, एक बेंड यहाँ पे, तो ये 3 बेंड जो आया ना,
ये तीन बेंड जो आया, तीन बेंड ये आपका 90 डिग्री का है, ठीक है। और ये जो दो बेंड आप देख रहे हो यहां पे, ये जो दो बेंड देख रहे हो जो यहां पे आ रहा है, ये दो बेंड, ये है मेरा 135 का, ठीक है, 135 डिग्री का। अब हम लोग जानते हैं 90 डिग्री के लिए हम लोग बेंड डिडक्शन करते हैं 2D और 135 डिग्री के लिए करते हैं बेंड डिडक्शन 3D, ठीक है। वही चीज सेम आप पुट करेंगे, तो पहला जो केस है ये वाला, ये हम लोग रखे हैं 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री का बेंड डिडक्शन। अब 90 डिग्री का बेंड डिडक्शन में कितना बेंड है 90 का, 1, 2, 3, तो देखिए मैंने 3 लिखा, ये नंबर ऑफ 90 डिग्री बेंड डिनोट करता है 3। अब एक 90 डिग्री के लिए कितना बेंड डिडक्शन होगा 2D, तो देखिए 2 और डी, डी है हमारा डाया 8 mm जो इसका है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री केस में। अब आते हैं 135 डिग्री का, ये है हमारा 135 डिग्री का केस, ठीक है। तो 135 डिग्री का बेंड हमारा टोटल कितना है, 2, ये एक ये दो, मतलब ये जो ऊपर वाला बार आके ऐसे मुड़ रहा है, तो ये रेस्पेक्ट में ये मेरा टोटल 135 डिग्री है। सेम उसी केस में जो ये स्ट्रेट बार है ना, ये स्ट्रेट बार जाके जब ऐसे मुड़ रहा है, तो ये भी हमारे स्ट्रेट बार के केस में ये 135 डिग्री है। तो 135 डिग्री का दो बेंड हो गया ना, तो वही मैंने यहाँ पे दो लिखा है। और 135 डिग्री बेंड के लिए कितना डिडक्शन करना है, 3D, तो ये 3 और ये हुआ डी मेरा, ठीक है। तो ये पूरा को कैलकुलेट जब करोगे तो आपका आएगा 1944 मिलीमीटर, हमको मीटर में करना है, तो इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, 1.944 मीटर, अप्रॉक्स में करेंगे तो 1.945 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कटिंग लेंथ निकला मेरा शेप 1 का। अब बात करेंगे हम लोग शेप 2 के बारे में। शेप 2 को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, और यहाँ पे अलग अलग डाया का कंसिडरेशन हुआ है, तो ये चीज तो आपको और ज्यादा ध्यान देके इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है हमारा शेप 2। इसको निकालना सीख गए तो शेप 3 भी सीख जाओगे, बट मैं दोनों ही करके दिखा दूंगा, शेप 2 को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, तो यहाँ पे एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शेप 2 आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये अंदर में है, ये दो बार को कवर कर रहा है, और ये दोनों बार आपका कितना है 16 mm का, जो वर्टिकल बार आप देख रहे हो 16 mm का है, लेकिन बाहर का जो बार है वो है आपका 20 mm का, ठीक है। तो इस चीज को मैं क्या करता हूं, इस रिंग को मैं बाहर निकाल के यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, और इस पार्ट को मैं पकड़ लेता हूं ए, और ये हाइट को मैं पकड़ लेता हूं बी, ठीक है। तो बी निकालना कोई बड़ा बात है ही नहीं, तो ये वर्टिकल बार मेरा कैसे निकलेगा, हम लोग को पता है ये 500 टोटल है, दोनों साइड से क्लियर कवर माइनस कर देंगे ना, तो ये बी निकल जाएगा, तो इसमें कोई झमेला नहीं है। जो झमेला है मेरा ये ए निकालने में, समझ में आ गया। अगर मैं यहां से यहां तक इसको ए लेता हूं, तो ये मेरा ए है, इसी को तो निकालने का मेन खेल है यहां पे, ये निकाल लोगे तो आप तो खुद ही कर लोगे सब, ठीक है। तो अब मैं ये सिखाता हूं ए कैसे निकालना है, ठीक है। तो इस ए को निकालने के लिए सबसे पहला जो मुझे निकालना होगा वो ये निकालना होगा, कॉलम के जो आउटर में जो वर्टिकल बार है मेरा, कौन सा वर्टिकल बार है, ये वाला और ये वाला, इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमको सबसे पहले निकालना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, समझ में आ गया ना। अगर देख लो, मान लीजिए ये कॉलम का सेक्शन है, ये मान लीजिए यहां पे एक वर्टिकल बार है, यहां पे एक वर्टिकल बार है, तो इस दोनों के सेंटर डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है, इस वर्टिकल बार से सेंटर, इस वर्टिकल बार से सेंटर, इसके अंदर में कितना डिस्टेंस है, मतलब समझ गया ना। यहां पे क्या केस निकलेगा, यहां पे निकलेगा ये वाला पार्ट, ये डॉटेड और ये डॉटेड, इसके अंदर का डिस्टेंस मुझे निकालना है पहले, समझ में आ गया। पहले वो निकाल लेते हैं, वो किस लिए निकालना पड़ेगा, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो निकाल के मैं आपको समझाता हूं। तो पहले ये निकाल लेते हैं, तो ये कैसे निकलेगा बताइए। तो पहले देखिए, हमको टोटल पता है 600, मतलब ये L टोटल कितना है 600। इससे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इधर से क्लियर कवर माइनस करूंगा, इधर से क्लियर कवर माइनस करूंगा, ठीक है। क्लियर कवर माइनस करने के बाद मेरा क्या पड़ेगा, मेरा आएगा टाइज, जो स्टीरअप्स है आपका वो पड़ेगा, तो उसका डाया इधर से माइनस करना पड़ेगा, उसी का डाया इधर से भी माइनस करना पड़ेगा, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद जब टाइज आप डिडक्ट कर दिए दोनों तरफ से, तब हमारा मेन बार आ जाता है, जो वर्टिकल बार है हमारा, तो उस वर्टिकल बार का हाफ इधर से माइनस करेंगे, हाफ इधर से माइनस करेंगे, तब हम लोग को टोटली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर हुआ है? अगर क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं आपको और एक स्केच बनाकर दिखाता हूं, जिससे और ज्यादा अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। चीजों को समझने के लिए 2-3 मिनट आपका एक्स्ट्रा जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा मेहनत तो मुझे लगती है वीडियो बनाने में, तो आपका जस्ट 2-3 मिनट जा रहा है। इसको चीजों को समझो अब, ठीक है। ये मेरा कॉलम का सेक्शन है मान लीजिए, ठीक है, कॉलम का सेक्शन। उसके बाद क्या आता है कि मेरा स्टीरअप्स आता है, ये मेरा स्टीरअप्स है। अब स्टीरअप्स का मैं डायावाइज ड्राइंग कर रहा हूं, मतलब ये स्टीरअप का जो थिकनेस देख रहे हो, ये स्टीरअप का थिकनेस, और ज्यादा क्लियर करने के लिए, तो ये जो आप देख रहे हो ये मेरा क्या है, ये स्टीरअप्स है। अब इस स्टीरअप्स के अंदर में मेरा मेन बार रहता है, मतलब कॉलम का जो वर्टिकल बार है वो वाला बार रहता है, जो कि हम डॉटेड में यहां पर कर दे रहा हूं। अब चीजों को समझिएगा, यहां पर भी ये डॉटेड
ये मैं इसको ब्लैक कर दिया टोटेन, और ये हैच हैच लाइन मेरा क्या है, स्टीरअप्स है। अब देखिए कॉलम का ये आउटर टू आउटर हम लोग को पता है वो कितना है 600, उसमें हम लोग इधर से क्लियर कवर को माइनस कर देंगे, ये क्लियर कवर ठीक है। अब इधर से भी हम लोग क्या करेंगे, क्लियर कवर को माइनस कर देंगे, ये भी हमारा हो गया क्लियर कवर। अब क्लियर कवर को माइनस करने के बाद नेक्स्ट हम लोग को जाना कहां तक है, ये जो वर्टिकल बार देख रहे हो ना इसके सेंटर तक जाना है। तो सेंटर तक जाने के लिए क्लियर कवर माइनस किए, उसके बाद आता है मेरा स्टीरअप्स। तो स्टीरअप्स का जो डाया है ये अब माइनस कर दो, ये कितना है 8 mm, जो भी रहेगा वो माइनस करना है दोनों साइड से, इधर से भी माइनस करना है इधर से भी माइनस कर देना है। तो अब हम लोग कहां तक आ गए, हम लोग आ गए जो हमारा वर्टिकल बार है ना उसके फेस तक आ गए हैं यहां तक। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इधर से हाफ इसको माइनस कर देंगे, हाफ ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, और इसमें भी हाफ क्या करेंगे ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे। तो अब हम लोग के पास जो बच गया वो कितना बच गया, वो वर्टिकल बार का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अब बच गया है। तो वही सेम चीज मैंने यहां पर लिखा है, देखिए एल सबसे पहले हम लोग टोटल ले लेते हैं, एल टोटल एल ये वाला ले लिए, माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, बोथ साइड से क्लियर कवर माइनस होगा इधर से भी उधर से भी, तो वही 2 इंटू क्लियर कवर, माइनस 2 इंटू टाइज डाया, जो स्टीरअप से हमारा जा रहा है ना, जो टाइज जा रहा है कॉलम में टाइज होता है, जो टाइज जा रहा है हमारा उस टाइज का डाया इधर से माइनस करेंगे इधर से माइनस करेंगे, तो वही 2 हो गया, तो 2 इंटू टाइज डाया, माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ वर्टिकल बार। हम लोग क्या करना है, इधर से वर्टिकल बार का हाफ माइनस करना है, उधर से वर्टिकल बार का हाफ माइनस करना है, तो वही मैंने लिखा है 2 इंटू हाफ ऑफ वर्टिकल बार ठीक है। अब बस वैल्यू पुट करना है, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान देना है इस टोटल पार्ट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ गैप से ठीक है। इस टोटल पार्ट को हम लोग डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ गैप से, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना था, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ठीक है। अभी जो मैं आपको बता रहा था ये आउटर टू आउटर जो मेरा वर्टिकल बार था उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाले। अब हम लोग को एक्चुअली में क्या चाहिए, हम लोग को तो निकालना है ये रिंग ठीक है। तो ये रिंग निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर टू सेंटर बार निकाल रहे हैं। मतलब ये देखिए, अब ये ड्रॉ कर दिया मैं, यहां पे ये ड्रॉ कर दिया मैं, मतलब नीचे मैं दिखाता हूं, अगर यहां पे बहुत हैपजर्ट हो गया है, ये सेंटर टू सेंटर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, हर जो जितने भी मेन बार है ना सबके सेंटर टू सेंटर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो हम लोग टोटल निकाले हैं, टोटल को अगर मैं इन बीच इसके बीच में जितने भी गैप्स हैं, मतलब एक गैप ये बनता है, एक गैप ये बनता है, एक गैप ये बनता है, ये नंबर ऑफ गैप्स मैं जब डिवाइड कर दूंगा ना तो हम लोग को जो डिस्टेंस मिलेगा वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एक का मिलेगा। टोटल हम लोग यहां से यहां तक निकालने के लिए ये ऊपर वाला फॉर्मूला पूरा आ जाता है। जैसे ही इसको मैं नंबर ऑफ गैप से डिवाइड करता हूं, नंबर ऑफ गैप कौन सा, दो वर्टिकल बार के बीच में गैप, तो नंबर ऑफ गैप कितना है, 1 2 3 तीन ना, तो वही देखिए मैंने यहां पे पुट किया है, आगे चल के बताऊंगा। तो ये जो नंबर ऑफ गैप से डिवाइड करूंगा ना तो एक सेंटर टू सेंटर के बीच में जो गैप है वो मुझे मिल जाता है, मतलब इस वर्टिकल बार से इस वर्टिकल बार के बीच का डिस्टेंस कितना है वो मैं निकल गया, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो सारा सेम होगा, चाहे वो ये हो सब सेम होगा। तो हम लोग को तो यही चाहिए, तो हम लोग को ये जो रिंग है ये रिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, पहले ये बार आप जो देख रहे हो वर्टिकल बार, और ये बार वर्टिकल बार जो देख रहे हो इसके बीच का ये सेंटर लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। अगर मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ये डिस्टेंस मिलने के बाद हम लोग अगर इस बार का हाफ इधर ऐड कर दे, हाफ इधर ऐड कर दे इसी में, और उसके बाद जो स्टीरअप हमारा आने वाला है उसका डाया और उसका डाया ऐड कर दे, तो हमारा ये टोटल ए निकल जाएगा। समझ में आ गया ना, जैसे ये कॉन्सेप्ट था पूरा। हम लोग को क्या है कि देखिए ये सेंटर टू सेंटर ये डिस्टेंस में निकल गया है ठीक है। अब इसमें हम लोग अब उल्टा जाएंगे, पहले हम लोग माइनस कर रहे थे, अब हम लोग ऐड करेंगे ए निकालने के लिए। पहले ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल लिए एक बार का, उसमें हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो हम लोग आधा माइनस किए थे अब उल्टा जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को तो रिंग जो पहनाया है, स्टीरअप जो पहनाया है, उस स्टीरअप का आउटर टू आउटर डायमेंशन चाहिए, आउटर टू आउटर डायमेंशन चाहिए। तो उस डायमेंशन के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें पता है। अब जो वर्टिकल बार है ना उसका आधा इधर से ऐड कर दो, उसका आधा इधर से ऐड कर दो, वर्टिकल बार का हाफ ऑफ जब ऐड कर दिए तब हम लोग क्या किए कि इस फेस तक आ गए हैं, इस फेस तक। अब क्या बचा है, दोनों साइड से टाइज का डाया ऐड कर देना है। तो ये स्टीरअप का डाया ऐड कीजिए, ये स्टीरअप का डाया ऐड कीजिए, बस ये मेरा ए निकल जाएगा, सिंपल सा बात है। तो पहले हम लोग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालते हैं, ये पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया, नंबर ऑफ गैप से डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, एल की जगह 600, 2 इंटू क्लियर कवर 2 इंटू 40, माइनस 2 इंटू टाइज डाया, टाइज का डाया यहाँ पे कितना है 8 mm, तो देख लीजिए 8 mm ठीक है, माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ वर्टिकल बार, 2 इंटू हाफ ऑफ वर्टिकल बार, हाफ ऑफ वर्टिकल बार किसका यहाँ पे बोल रहा है, आपको अभी ये वाला डाया का कंसिडरेशन नहीं करना है, आउटर डाया का कंसिडरेशन करना है, क्योंकि हम लोग अभी टोटल निकाल रहे हैं। तो टोटल निकालने के लिए ये वाला कितना है 20 डाया, ये है 20 डाया, तो 20 का हाफ कितना होगा 10, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 2 इंटू 10
ठीक है, हाफ ऑफ वर्टिकल डाय मतलब 10। अभी हम लोग आउटर वाला जो वर्टिकल बार है उसको कंसीडर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 3, नंबर ऑफ गैप कितना है 1, 2, 3 डिवाइड बाई 3, इसको कर दोगे तो आपका आएगा 161 मिलीमीटर, अप्रॉक्स मैंने 160 मिलीमीटर कर रहा है। तो 160 मिलीमीटर जो मेरा निकला, ये क्या निकला, एक वर्टिकल बार का सेंटर से एक वर्टिकल बार के सेंटर का डिस्टेंस, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो हो, कोई भी हो, तो हम लोग का ये निकल गया है। अब देखिए हम लोग ए निकालेंगे, अब मेरा काम है ये ए निकालना। तो ये ए कैसे निकलेगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इनटू गैप। अब इनटू गैप लेके बहुत जन को कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर ये गैप आप फिर से क्यों लिखे हो और कहां का गैप। मान लीजिए ये मैं जनरल कंडीशन की बात कर रहा हूं, मान लीजिए कोई स्टीरअप ऐसा था, मान लीजिए कोई स्टीरअप एक ऐसा है, ऐसा है जिसके बीच में हमारा मोर देन वन, यहां पे देखोगे आपका सेंटर टू डिस्टेंस एक ही है, मतलब अगर ऐसा केस होता जब ये हमारा रिंग जो है ना ये मोर देन वन गैप होता, मान लीजिए समझ लीजिए मैं आ गया ना, ये मेरा रिंग बना है, ये मेरा रिंग बना है, हम जो अभी केस कंसिडरेशन कर रहे हैं उसमें ये जस्ट ऐसे बना हुआ है। अगर ऐसे नहीं होके अगर ये मान लीजिए तीन बार मेरा कवर करता तब इसके बीच में कितना गैप बन रहा है, एक गैप, ये एक गैप, दो गैप बन गया ना, तो वही गैप मैंने यहां पे लिखा है, समझ में आ गया। तो ये जनरल केस के लिए मैंने गैप लिख दिया है, लेकिन कैलकुलेशन में आपको समझ में आ जाएगा। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इनटू गैप, इनटू गैप कितना, ये जो रिंग निकाल रहे हैं इसके बीच में गैप कितना है, एक ही है तो एक ही हम लोग डालेंगे, प्लस 2 इनटू हाफ ऑफ वर्टिकल बार, इस वर्टिकल बार का हाफ इधर चलेंगे हम लोग, इस वर्टिकल बार के हाफ उधर जाएंगे, तो वही मैंने यहां पर लिखा है, प्लस 2 इनटू टाइज डाया, ये जो टाइज है इसका डाया ऐड करना है, इस टाइज का डाया ऐड करना है, ये कर दोगे तो बस हो गया, और कुछ नहीं करना है, जैसे वैल्यू पुट करते हैं। चलिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम लोग निकाले थे 160 mm, ये वाला पुट करते हैं, इनटू नंबर ऑफ गैप 1, यहां पे गैप एक है ना ये, इसलिए मैंने यहां पे एक पुट किया है, अगर दो रहता या तीन रहता हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है कंसिडरेशन, तो वो आप एक दो यहां पर डाल लेना, प्लस 2 इंटू हाफ ऑफ वर्टिकल बार, 2 इंटू, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अब हम लोग जो वर्टिकल बार का जो डाया ऐड करेंगे यहां पे वो कौन सा करेंगे, ये वाला पार्ट ऐड करेंगे, और ये कितना है 16 mm ना कि 20 mm, तो 16 का आधा कितना होता है 8, मतलब 8 इधर जाएंगे 8 उधर जाएंगे ना, तो वही मैंने लिखा है 2 into 8, ठीक है, प्लस 2 into टाइज डाया, प्लस 2 into टाइज डाया, टाइज मेरा कितना का है 8 mm का, तो वही मैंने 8 लिखा है, कैलकुलेट करना आएगा 192 mm, तो हमारा ए निकल गया, ये वाला ए पार्ट मेरा निकल गया, बस अब तो कुछ नहीं है, बी निकालना मैंने आपको बता ही दिया था कि टोटल बी से दो क्लियर कवर माइनस कर दो, टोटल बी ये है ना, इधर से क्लियर कवर माइनस, इधर से क्लियर कवर माइनस, तो हमारा ये निकल जाएगा, तो हमारा आ गया 420 mm, ठीक है। अब कटिंग लेंथ का फॉर्मूला सेम जो मैंने बताया था आपको, 2 into A 2 into B प्लस हुक माइनस बेंड, ठीक है, अब समझाता हूं एक करके, 2 into A यहां पर समझ में आ गया, 2 into B समझ में आ गया, मतलब एक यहां भी है एक ये यहां भी है, मतलब ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट, ये मेरा B, ये मेरा B, दो दो B, दो दो A, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये हुक को समझ लीजिए, ये नंबर ऑफ हुक देख लीजिए, इस वाले में हमारा कितना हुक है, एक हुक है, एक हुक है, मतलब यहां पे देखो एक हुक, एक हुक, यहां पे देखो एक हुक, एक हुक, तो वही उसी के लिए दो आ गया, और एक हुक मैंने डाला यहां पर 10D का, तो ये 10 और डाया 8, ठीक है, माइनस, अब ये बेंड डिडक्शन, ये है मेरा 130, ये है मेरा 90 डिग्री के लिए, वे 135 डिग्री के लिए, 90 का बेंड 3 था और एक 90 डिग्री के लिए 2D होता है, तो ये 2D, 135 डिग्री का बेंड कितना था 2, और 135 डिग्री के लिए 3D, बस इसको कैलकुलेट कीजिए, टोटल आएगा 1288 मिलीमीटर, समझ में आ गया, और इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दिया हूं, 1.288 अप्रॉक्स 1.29 मीटर, समझ में आ गया। तो ये आपका कटिंग लेंथ हो जाएगा ये बीच वाले के केस में, ठीक है, मैं बार बार रिपीट किया हूं एक चीज को इसलिए कि आपके दिमाग में बैठ जाए वो चीज, इसको अलग वे में मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा शेप 2, अब मैं जल्दी से आपको शेप 3 बता देता हूं, शेप 3 बहुत ईजी है, शेप 3 को मान लीजिए ये शेप 3 है मेरा, ये वाला पार्ट, ये शेप 3 है ना, ये वाला हमारा, और यहां पे हुक है, अब इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसमें ए निकालना बहुत आसान है, टोटल 600, दो साइड से क्लियर कवर माइनस कर दो, हमारा ये लेंथ निकल जाएगा, लेकिन इस लेंथ के लिए हमें थोड़ा खटना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल लिए, टोटल जब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल लोगे ना आउटर बार का, उसके बाद क्या करना है, हम लोग को गैप से डिवाइड करना है, 1, 2, 3 गैप है, डिवाइड कर दो, डिवाइड करके हम लोग क्या करना है, सेंटर टू सेंटर गैप को निकाल लेना है, तो कोई भी मेन बार के बीच में अगर सेंटर में हम लोग जाएंगे तो ये डिस्टेंस मिलना ही चाहिए, वही डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, तो सेम यही प्रोसेस फॉलो होगा, करके मैं दिखा देता हूं आपको। तो नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे हमारा शेप 3 को, जो कि है हमारा ये, तो इस शेप को मैंने बाहर निकाला, यहाँ पे
इस लेंथ को ए पकड़ा है, इस लेंथ को बी पकड़ा है, मतलब ये मेन बी, यहाँ पे तो मेन बी ही निकालना है। ए पहले निकाल लेते हैं, ए से पहले हम लोग देख लेते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पे कैसे निकालेंगे। पूरा सेम प्रोसेस है, वही फॉर्मूला सेम, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ गैप जो था हमारा। तो पूरा जब बैठाओगे ना तो जस्ट एक चीज यहाँ पे चेंज होगा, वो एल, एल यहाँ पे कितना है 500 हमारा टोटल। ये पार्ट आप चेक करेंगे ना, हम लोग को ये वाला निकालना है अब डिस्टेंस, तो ये वाला आप कंसिडर करेंगे। तो ये टोटल मेरा है 500 बैठा दिए, माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, इधर से क्लियर कवर माइनस, इधर से क्लियर कवर माइनस, ठीक है 2 इंटू क्लियर कवर माइनस 2 इंटू टाइज डाया, इधर से डाया माइनस करो स्टीरअप्स का, इधर से माइनस करो स्टीरअप्स का डाया, तो वो हो गया 2 इंटू 8 माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ वर्टिकल बार। ये जो वर्टिकल बार आप देख रहे हो, इसका हाफ माइनस करो, इसका हाफ माइनस करो उधर से, हाफ इधर से। तो अब हम लोग का जो डिस्टेंस मिल जाएगा वो ये टोटल मिल जाएगा, ये वाला पार्ट, समझ में आ गया। अब इसी को जब डिवाइड कर देंगे हम लोग नंबर ऑफ गैप से, तो हमारा जो डिस्टेंस मिल जाएगा वो कौन सा मिल जाएगा, एक वर्टिकल बार से एक वर्टिकल बार के सेंटर का, ठीक है, चाहे वो ये वर्टिकल बार हो चाहे कोई भी वर्टिकल बार हो, सारा सेम होगा, समझ में आ गया। तो हम लोग को तो चाहिए ये बड़ा, तो हम लोग को चाहिए इस रिंग को निकालने के लिए इसके सेंटर में और इसके सेंटर में, तो वही निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ गैप से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ गैप यहाँ पे कितना है, 1 2 3 टोटल, तो 3 से डिवाइड किए हैं, बाकी पूरा वैल्यू वहां पे बैठा दो, ठीक है, जैसे हम लोग पिछला वाला किए थे। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 128 मिलीमीटर, मतलब एक गैप आ गया 128 मिलीमीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए बी कैलकुलेट करते हैं। पहले हम लोग इस केस में बी कैलकुलेट करेंगे, ये वाला जो मैंने बी पकड़ा था यहाँ पे। तो बी को कैलकुलेट करने के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इनटू गैप, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेरा कितना निकला था 128 इनटू गैप, क्यों, इस स्टीरअप्स के बीच में कितना गैप मिल रहा है, एक ही गैप मिल रहा है, हो सकता है किसी स्टीरअप्स में दो तीन मिलता तो अलग केस था, यहां पे एक मिल रहा है, तो हम लोग इसको इस गैप की जगह देखिए यहां पे 1 बैठा है नंबर 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू हाफ ऑफ वर्टिकल बार। अब हम लोग उल्टा जा रहे हैं ना, हम लोग को ये डिस्टेंस पता था देखिए इतना हाफ, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा वर्टिकल बार का हाफ है, ये वाला इधर ऐड करो, ये वाला इधर ऐड करो, तो कितना होगा, ये 16 mm का है, 8 इधर होगा, 8 इधर होगा, तो 2 इंटू 8, ये देखिए 2 इंटू 8 मैंने किया है, ठीक है। अब है 2 इंटू टाइज डाया, तो जो स्टीरअप्स है उसका भी तो हम लोग को यहाँ पे ये थिकनेस और ये थिकनेस ऐड करना पड़ेगा ना, तो 2 इंटू 8 अगेन, ठीक है, तो ये कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका आएगा 160 मिलीमीटर, ठीक है, बी निकल गया मेरा। ए निकालना तो बहुत आसान है, टोटल 600 है, इधर से क्लियर करो, इधर से क्लियर करो माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 520 मिलीमीटर। बस फॉर्मूला में बैठा दो और निकाल दो, कुछ नहीं है। ए बी बैठा दिए, ये आपका हुक हो गया और ये आपका बेन डिडक्शन हो गया, ये 90 के लिए, 135 डिग्री के लिए, करोगे तो आपका आएगा 1424 मिलीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो तो 1000 से डिवाइड करके 1.424, और इसको राउंड ऑफ करोगे तो 1.425 मीटर, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा प्रॉपर तरीका कटिंग लेंथ निकालने का, अलग अलग डाया के केस से मैं आपको समझाया हूँ। यहाँ पे फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाकर डाल दूंगा ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट अधूरा ना रह जाए। तो वीडियो अगर काम की लगी हो तो वीडियो को कुछ नहीं करना है, जस्ट शेयर करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वीडियो को लाइक कीजिए नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वीडियो को शेयर कीजिए, ये मेरा तहे दिल से रिक्वेस्ट है आप लोग से। शेयर करोगे तो दूसरे भी सीखेंगे, मैं सबको सिखाना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ, इसलिए इतना मेहनत करके ये सब बड़ा बड़ा वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली चाहता हूँ बच्चा बच्चा सिविल इंजीनियर का ये सब चीज़ सीखे, क्योंकि वो जब साइट पे जाता है ना तो वो सीख नहीं पाता चीज़ों को, अगर सही फैकल्टी सही अगर आपका सीनियर नहीं मिले तो वो सिखाते नहीं है, और जानते हो सिविल लाइन कितना गंदा लाइन है, ठीक है, गाली वाली सब तो नॉर्मल सा बात है, यहाँ पे जो रैगिंग होती है वो अलग बात होती है। तो मैं चाहता हूँ जो मैं फेस किया हूँ वो चीज़ आप फेस ना करो, इसलिए ये सब बड़ा बड़ा वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कीजिए, दूसरे भी सीखें। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।